हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दिल्ली से सटे हुए इलाकों में प्रदूषण की मात्रा अधिक रहती है। मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन वहां प्रदूषण का कहर लगातार जारी रहता है। गुरुग्राम में पॉल्यूशन को कम करने के साथ साथ शहर को हरा भरा बनाने के लिए नगर निगम की ओर से एक योजना तैयार की गई है, जिसमें आरडब्ल्यूए और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर शहर भर में पौधे लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, नगर निगम ने सर्विस लाइन के किनारे भी पौधे लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सभी आरडब्ल्यूए और एनजीओ की जिम्मेदारी होगी कि जो पौधे लगाए गए हैं वो पूरी तरह से सर्वाइव करें। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर होगी और हर 3 महीने में नगर निगम कमिश्नर को सभी पौधों की रिपोर्ट जरूर देनी होगी। देखिए, कई बार सिटीजन्स ये कहते हैं कि जी आप प्लांट्स लगा देते हैं, बाद में उनका कुछ नहीं होता है, बाद में कोई पूछता नहीं है। मॉनिटरिंग के लिए हमने इस बार एक ऐप के माध्यम से हम जो भी फोटोग्राफ्स हैं, जहाँ पे भी प्लांटेशन हो रही है, जियो टैग फोटोग्राफ्स हम अपलोड कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जो भी आरडब्ल्यूएस जितने जितने प्लांट्स ले रही हैं और जहाँ जहाँ पे प्लांट्स लगा रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, ताकि आगे जाके हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाएँ और ये इंश्योर कर पाएँ कि मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव करें। ऐसा ना हो कि प्लांट्स लगा के उनको छोड़ दिया जाए और बाद में उनकी देखरेख ना हो।